हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी S21 FE और सैमसंग गैलेक्सी S20 FE के बारे में। तो अभी फ़िलहाल फ्लिपकार्ट और अमेजन के ऊपर सेल चल रहा है और फ्लिपकार्ट के सेल में सैमसंग का जो S21 FE है ये आप लोगों को 30,000 के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज है कि क्या 30,000 में सैमसंग का S21 FE को परचेस करना चाहिए, और जो हम इस स्मार्टफोन से अपना काम निकलवाना चाहते हैं क्या इस स्मार्टफोन से वो चीज़ यहाँ पर परफेक्टली वर्क करेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप लोग चैनल में पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरिए मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। आपके जो भी सवाल है आप मुझसे वहाँ भी पूछिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के बारे में। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊँगा। अगर आप लोग S20 FE जो कि लगभग फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों में ही आपको काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल रहा है, तो अगर आप लोग आज के टाइम में सैमसंग का S20 FE परचेस करने का सोच रहे हैं तो मैं आप लोगों को पूरा रिकमेंड करूंगा कि आप लोग S20 FE को आज के टाइम में परचेस मत कीजिए। एक साल पहले सैमसंग का S20 FE काफ़ी अच्छा डील था, लेकिन आज के टाइम में वो पुराना स्मार्टफोन हो चुका है और आज के टाइम में उस स्मार्टफोन को परचेस करने का कोई भी सेंस यहाँ पर नहीं बनता है। अगर आप आज S20 FE को परचेस करते हैं तो आप आराम से 1 से 2 साल इस्तेमाल कर पाइएगा, लेकिन मैं कहूँगा कि आप अगर थोड़ा सा भी अगर प्राइस डिफरेंट होता है S20 FE और S21 FE के बीच में तो आप लोग S21 FE की तरफ यहाँ पर जाइए, क्योंकि आपको एक बेहतर स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। क्योंकि S20 FE सैमसंग ने जनवरी 2021 में लॉन्च किया था जो कि लगभग अभी 2 साल पुराना ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप S20 FE लेने का सोच रहे थे तो मत लीजिए। बात करते हैं S21 FE के लिए, तो ये स्मार्टफोन काफ़ी सही है, लेकिन अगर आप एक गेमिंग करना चाहते हैं और बेसिकली अगर आप आउटडोर में वीडियो करना चाहते हैं तो आप लोग इस स्मार्टफोन को परचेस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेग आप लोगों को आउटडोर वीडियो क्वालिटी में देखने को मिलेगा, और मतलब वीडियो क्वालिटी आपको आउटडोर में उतना मज़ा नहीं देगा। मतलब इनडोर में काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, लेकिन आउटडोर में आपको उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। दूसरा जो रीज़न है वो है इस स्मार्टफोन का प्रोसेसर। प्रोसेसर की वजह से आप लोग इस स्मार्टफोन में गेमिंग नहीं कर सकते। तो अगर आपका मेन पर्पस 30,000 के आसपास में गेमिंग का था तो आप लोग S21 FE को यहाँ पर मत लीजिएगा। तीसरा रीज़न है इस स्मार्टफोन का ना लेने का, वो है इस स्मार्टफोन का फास्ट चार्जिंग। आज के टाइम में भी आप लोगों को सैमसंग 25 वाट का चार्जर दे रहा है, लेकिन आपको इनबॉक्स में भी 25 वाट का चार्जर नहीं मिलेगा, आप लोगों को सेपरेटली अलग से यहाँ पर परचेस करना होगा। ओवरऑल S21 FE एक अच्छा डील है, नो डाउट। सैमसंग का S20 का स्मार्टफोन है तो आप लोगों को ऐसे कुछ कमी इस स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग ये सब सोच के ले रहे हैं कि आपको यहाँ पर अच्छा गेमिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा, आउटडोर में आप अच्छा खासा वीडियोस यहाँ पर रिकॉर्ड कर पाइएगा, तो वो उसमें आपको थोड़ा यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो इस केस में मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप सैमसंग का नया जो A54 है ये सब स्मार्टफोन देख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। S21 FE में भी मिलता है, S20 का स्मार्टफोन है तो उसमें तो मिलेगा ही, लेकिन कंपेयर किया जाए तो S20 जो 1 FE है वो थोड़ा अभी हीटिंग की तरफ भी जा रहा है, क्योंकि उसमें आपको एक्जोनस का प्रोसेसर मिल रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो रिव्यू किए हैं वो बता रहा है कि भाई आउटडोर में इसका परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं मिलता है जितना हम लोग इससे उम्मीद कर रहे थे। तो अगर आपको लेना है तो डेफिनेटली ले लीजिए, लेकिन अगर आप गेमिंग करेंगे और आउटडोर में वीडियो करेंगे तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ मत जाइए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में अगर आप लोग पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।